है गुरु गोरखनाथ व्याग्रा, एक इंग्लिश मेडिसिन जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा है कि लोगों को ये पता भी है कि व्याग्रा जो इंग्लिश मेडिसिन है वो शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है, स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है, लेकिन लाचारी में वो इसका उपयोग करते हैं जिसका सामना उन्हें उसके साइड इफ़ेक्ट से झेलना पड़ता है। इसलिए आज आपके लिए एक ऐसा प्राकृतिक व देशी व्याग्रा लेके आए हैं जो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को तो सुधारेगा ही, साथ में आपके स्वास्थ्य को अपूर्व वृद्धि देगा। ये देशी और प्राकृतिक व्याग्रा आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को सुधारेगा, एक लंबे समय तक देगा आपको एक जबरदस्त स्टे ऑन, और साथ में रखेगा आपके स्वास्थ्य को एकदम फर्स्ट क्लास। जी हाँ, आपकी रात की सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी टिप टॉप और आपके स्वास्थ्य को भी एकदम फिट। प्राकृतिक या इंग्लिश मेडिसिन व्याग्रा, जिसका उपयोग अधिकतर पुरुष ही करते हैं, वो भी अपनी सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो लंबे समय तक रात को अपनी पत्नी के साथ समय बिता सकें। लेकिन ये एक अप्राकृतिक इंग्लिश मेडिसिन है और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिनमें से मुख्य साइड इफेक्ट्स हैं अंधापन आना। जी हाँ, इसके लगातार उपयोग से आपको खुद महसूस होगा कि आपकी आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, आप कलर में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की समस्या इसके लगातार प्रयोग से आती है। बाकी आपके कानों में भी आपको कम सुनाई देना लगेगा और आपकी स्किन में भी आपको एलर्जी दिखाई देने लगेगी, वो एलर्जी एक स्किन कैंसर का भी कारण बन सकती है। लगातार इस अप्राकृतिक और अंग्रेजी व्याग्रा का प्रयोग करके आप देखेंगे कि आप केवल व्याग्रा लेने पर ही कुछ कर पा रहे हैं, अर्थात आप अगर बिना व्याग्रा के बिना दवाई के कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप देखेंगे आप जैसे पहले थे नॉर्मल सामान्य, जैसे पहले आप पा रहे थे वैसा आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि आपको इसने कमजोर बनाया है, रियल में कमजोर बनाती है ये दवाई आपको। इसलिए आप इस प्राकृतिक और देशी व्याग्रा का प्रयोग करें। ये एक बहुत ही भारी नुकसान और साइड इफेक्ट है व्याग्रा का। जी हाँ, तो आज आपके लिए एक ऐसा ही प्राकृतिक और देशी व्याग्रा हम लेके आए हैं जो आपको शरीर से एकदम पुष्ट तो बनाएगा ही, लेकिन साथ में आपको एक जबरदस्त शक्ति भी देगा। जी हाँ, रात की और बिस्तर की शक्ति, जिससे कि आप एक जिस तरह एक व्याग्रा खाने वाला परफॉर्मेंस दे सकता है, उसी तरह आप इस डाइट को लेकर इस देशी और प्राकृतिक नुस्खे को आजमा कर परफॉर्मेंस देंगे। क्योंकि ध्यान रखिए, आप ये दवा व्याग्रा इसलिए लेते हैं ताकि आप अपने प्यार को बढ़ा सकें, इसलिए नहीं कि आप बीमारियों को बुला सकें। इसलिए आपको जरूरी है कि आप ये प्राकृतिक और देशी व्याग्रा का प्रयोग करें, जिससे कि आप अपनी रियल लाइफ में प्यार को बढ़ा सकें, अपने स्वास्थ्य को पुष्ट रख सकें, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकें। ये देशी और प्राकृतिक व्याग्रा है अनार। जी हाँ, अनार, अनार का जूस, या अनार को आप ऐसे भी खा सकते हैं, अनार का जूस निकाल लीजिए या अनार के दानों को आप चबा चबा कर चूस चूस कर खाइए। ये प्रयोग आप करके देखिए शाम के समय, लेकिन कम से कम 2 घंटे पहले आप इसका उपयोग करें और फिर इसकी जबरदस्त ताकत को देखें। ये आपको शरीर से आपकी जड़ को इतना स्ट्रांग बनाएगा और आपको ऐसी शक्ति देगा कि आप लंबे समय तक स्टे ऑन रह सकते हैं। जी हाँ, एक प्राकृतिक और देसी व्याग्रा जो आपको रखेगा लंबे समय तक स्टे ऑन। दूसरी चीज, जब ये जूस ले रहे हैं शाम के समय, सोने से 2 घंटे पहले आपको ये लेना है और पेट को हल्का रखना है, ठूस ठूस कर नहीं खाना है। इसके साथ आप एक ध्यान और रखें, सुबह के समय लौकी, जिसे कद्दू भी बोलते हैं, एक
लौकी या कद्दू का जूस आपको लेना है जरूर। जी हाँ, लौकी या कद्दू का जूस आप सुबह लेंगे, लेकिन अनार के जूस का सेवन आप शाम को करेंगे। ये नुस्खा आप आजमाएं, ये आपको एक ऐसा स्टे ऑन देगा जिससे कि आप अपने अंदर से और बाहर से बिल्कुल संतुष्ट महसूस करेंगे। बिल्कुल सेटिस्फेक्शन आपको महसूस होगा, आपको भी, आपकी वाइफ को भी, आपकी गर्लफ्रेंड को। इसके साथ साथ ये आपकी हेल्थ को भी एकदम फिट रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा। हमेशा आपको दवाई की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये फायदा है इस प्राकृतिक और देसी व्याघ्र का, जो आपको रखेगा लंबे समय तक स्टे ऑन। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत हैं। इसके फायदे ही फायदे हैं, जीरो साइड इफेक्ट के साथ। तो इसका उपयोग और सेवन आप अवश्य करें और इसका लाभ अवश्य उठाएं। तो ये आपने देखा एक प्राकृतिक और देशी व्याघ्र का चमत्कारी लाभ, किस तरह आप इसका उपयोग करके नाइट को लंबे समय तक स्टे ऑन रह सकते हैं। जी हाँ, इसका फ़ायदा अवश्य उठाएं और इसका उपयोग ज़रूर करें। ऋषि मंगल कामना के साथ जय गुरु गोरखनाथ।